मुझे लगता है महामहिम राज्यपाल ने भी ये बात कहकर के, घटिया बात कहकर के ये साबित कर दिया कि उनको भी विशेषकर बुद्ध के दर्शन का ज्ञान नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर अपने एक बयानों से विवादों में घिर गए हैं और उनका यह बयान बौद्ध धर्म को लेकर आया है, भगवान बुद्ध को लेकर आया है और इस पर अब तमाम जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और उनके धर्म प्रमुख हैं उन्होंने आपत्ति जताई है कि क्या भगवान बुद्ध किसके अवतार हैं, इसके लिए देश के राजनेताओं से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है। दरअसल यह सब जो विवाद है, यह सब विवाद हुआ है बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की एक टिप्पणी को लेकर, और उन्होंने यह टिप्पणी बोधगया में की थी और बौद्ध जयंती के अवसर पर की। दरअसल भगवान बुद्ध को लेकर के हमेशा ये बातें सामने आती हैं कि वे विष्णु के अवतार हैं, लेकिन जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं वे अक्सर इसका विरोध करते हैं। इन सब के बीच बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने एक नए विवाद को छेड़ दिया है। उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कहा था कि भगवान बुद्ध श्री कृष्ण के अवतार हैं। उन्होंने कहा कि बुद्ध कौन थे, यह है कि भगवान बुद्ध श्री कृष्ण के अवतार हैं। इन्हीं सब को लेकर के अब बोधगया के महाबोधि महाविहार के मुख्य पुजारी एवं ऑल इंडिया भिक्खु महासंघ के अध्यक्ष वेदांत आनंद महास्थवा ने राज्यपाल द्वारा दिए गए बयान पर आपत्ति जताई है और उनके इस बयान को बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए ठेस लगाने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों को राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की टिप्पणी से काफ़ी आहत हुए हैं और उनका यह कहना कि भगवान बुद्ध श्री कृष्ण के अवतार थे, यह जताता है कि उन्हें बुद्ध दर्शन की कोई जानकारी नहीं है, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है कि बौद्ध दर्शन क्या है और भगवान बुद्ध क्या थे। और जिस दौरान वेदांत आनंद महास्थवा इसका में दौरान अपने विरोध को जता रहे थे, वहाँ 17 देशों के बौद्ध धर्मावलंबी भी मौजूद थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि बुद्ध कौन थे, क्या थे, इस बात का सर्टिफिकेट हमें यहाँ के राजनेताओं से नहीं चाहिए। तो गवर्नर के दिए गए बयान पर बौद्ध भिक्षुओं ने जो आपत्ति जताई है, अब आप सुनिए कि वे क्या क्या कह रहे हैं। उसी को ही मैं यहाँ आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमको आश्वस्त किया है, जब यहाँ धर्म पर ग्लानि आएगी, हम भटक जाएंगे रास्ते से, तब मैं यहाँ स्वयं आपको आकर आप सबका मार्गदर्शन करूंगा। और हमारी संस्कृति में भगवान बुद्ध को हम अपना भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। जब भगवत गीता में कहा गया कि मैं आऊंगा वापस और यहाँ के धर्म पर जब ग्लानि होते, धर्म का मतलब हमारे पूजा अर्चना नहीं है, धर्म का मतलब हम घर में बैठकर जिस मूर्ति की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कितनी बार घंटा बजाते हैं, कितनी बार आरती उतारते हैं, ये नहीं है धर्म का मतलब। धर्म का मतलब है सही दिशा, धर्म का अर्थ है योग्य प्रकार का विचार, जिसे अंग्रेजी में डूज एंड डोंट्स ऐसे कहते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको हमारे यहाँ धर्म कहा गया है। और जब इन विचारों से हमारे यहाँ के लोग भटक जाते हैं उसको हम धर्म भ्रष्ट कहते हैं। परंतु ऐसे समय मैं स्वयं यहाँ अवतारित होकर पूरे समाज को, विश्व को उनके कल्याणकारी मार्ग पर जाने का मार्गदर्शन करूंगा, ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमको आश्वासन दिया है। और इसी के स्वरूप में भगवान बुद्ध ने यहाँ अवतरित हुए। उन्होंने जब देखा कि इस भाव इस प्रजा में लोगों में कुछ भटके हुए लोग हैं और हमारी मूल भावना को देखकर भटक रहे हैं, तो
मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में बयानबाजी को लेकर के एक इस तरह का माहौल बना है कि देश का प्रधानमंत्री हो अथवा गृह मंत्री हो या किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, वो कब क्या कहता और कब किस बात को कहने से फिसल जाता, इसका ताजा उदाहरण ये है कि अभी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बिहार सरकार के महामहिम राज्यपाल का बुद्ध गया की धरती पर आगमन हुआ और उन्होंने अपने विचार रखते हुए ये कहा कि भगवान बुद्ध जो थे वो श्री कृष्ण के अवतार थे। पहले तो महामहिम राज्यपाल की शिक्षा के ऊपर बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न होती है उनके इस बयान से। दूसरी तरफ अभी माननीय प्रधानमंत्री का पीछा नहीं छूटा, उनकी डिग्री को लेकर के आए दिन स्टेटमेंट आते रहते हैं कि डिग्री क्यों नहीं दिखाते हैं या उनको दिखाने में क्या तकलीफ है। मुझे लगता है महामहिम राज्यपाल ने भी ये बात कहकर के, घटिया बात कहकर के, ये साबित कर दिया कि उनको भी विशेषकर बुद्ध के दर्शन का ज्ञान नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जिसको बुद्ध के दर्शन का ज्ञान नहीं है वो बिहार प्रदेश का राज्यपाल होकर के ये कहे कि बुद्ध जो है श्री कृष्ण के अवतार थे, तो उनको मैं समझता हूँ आईने में अपने आप को एक बार देखना चाहिए। और भारत की जनता दोनों से ही पूछना चाहती है, अपन भिक्षु महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से मैं स्वयं महामहिम राज्यपाल से, प्रधानमंत्री से और उन देश के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आपने किस स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, आखिर आपकी शिक्षा का महत्व क्या है, क्या आपको जानकारी है बुद्धिज्म के संबंध में, क्या जानकारी नहीं है। ऊट लूट फजूल जो भी आप बयान देना चाहते हैं, आपको ये पता नहीं है कि महामहिम एक गरमाभरी पोस्ट है जिस पर बैठ करके आप बयान दे रहे हैं। तब अगर आपकी बात सही है तो जितने भी देश में जो गाल बजा रहे हैं या जिन्होंने गाल बजा बजा करके या जिन्होंने झूठ बोल बोल करके या जिन्होंने तानाशाही दिखा करके, ये एक तरफ कहा रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर बन गया।